बिरसा मुंडा कौन थे, कैसे दी आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई को धार। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी अब झारखंड में खूंटी के लोहरदगा जिले में आदिवासी मजदूर के घर हुआ था। बचपन में ही इनके एक विद्रोही के लक्षण तभी सब दिखाई दे गए जब इन्होंने आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अंग्रेजों के प्रयासों का विरोध किया। बाद में इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया आदिवासियों के नेता के रूप में मुंडा का उदय। साथियों, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार स्थानीय जमींदारों और ठेकेदारों की मिली भगत से देश के संसाधनों को लूटकर अपने देश भेज रही थी। सन 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में सूखा पड़ा, तभी बिरसा मुंडा ने लगान से छूट के लिए जनता को संगठित कर नेतृत्व दिया। इस आंदोलन ने आदिवासियों के बीच बिरसा मुंडा को धरती बाबा का खिताब दिया। सन 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा गया। धरती बाबा बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए उलगुलान के आह्वान से आदिवासियों में हड़कंप मच गया। मुंडा ने अंग्रेजों और इनके द्वारा संसाधनों की अंधाधुंध लूट के खिलाफ अपना संघर्ष फिर से शुरू किया। भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सरकार का मुकाबला करने के लिए उन्नत हथियारों से रहित आदिवासियों ने तीर कमान जैसे परंपरागत हथियारों के जरिए गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और अंग्रेजों और इनके वफादारों से जुड़े स्थानों पर हमला किया। अंग्रेजों से जुड़ी 100 से अधिक इमारतों को आग लगा दी गई और कई ब्रिटिश पुलिस कर्मी भी मारे गए। सन 1898 में तांगा नदी के पास तीर कमान से लैस 400 आदिवासियों ने ब्रिटिश पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया था। जवाबी कार्रवाई में लॉर्ड कर्जन ने उन्हें हथियारों से लैस भारतीय जवानों को भेजा, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। ब्रिसा के नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि वह परंपरागत हथियारों से भी आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। जनवरी 1900 में पुलिस ने डुम्बारी बुरू की पहाड़ियों पर छापा मारा, जहां मुंडा एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद एक क्रूर नरसंहार हुआ। अंग्रेजों की पुलिस ने लोगों को चारों ओर से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हिरासत में लिए गए लोगों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के बाद इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा खूब प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण 9 जून को जेल में ही इनकी मृत्यु हो। बिरसा की विरासत जारी है जमीन को बचाने का संघर्ष। बिरसा का संघर्ष ब्रिटिश उपनिवेशवाद और हिंदू सामंतवाद दोनों के खिलाफ था, लेकिन आरएसएस द्वारा प्रस्तुत कथा इन्हें हिंदू आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता, जिन्होंने ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इनके संघर्ष के केवल एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि आदिवासी आंदोलन के उदय ने बिरसा मुंडा को काफी हद तक हिंदू खेमे से निकालने में कामयाबी हासिल की है और आदिवासी धीरे धीरे स्वायत्त अस्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा को भी गुमनामी से वापस लाया गया है। केंद्र सरकार ने 2021 में जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। रांची हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। इनके नाम पर रांची में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। साथियों, आजादी के बाद भी आदिवासी अपने उत्पीड़कों और शोषकों के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। अंग्रेजों की जगह राजनेताओं ने ले ली है और सामंतों की जगह बड़े औद्योगिक घरानों ने ले ली। इसका ताजा उदाहरण है उड़ीसा के सीजी मली और नियमगिरी में खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष। ऐसे में बिरसा मुंडा अपनी मृत्यु के 120 साल बाद भी आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किए जाते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर कर दें।